अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था जॉन्डिस न्यूनेटोरम का टॉपिक और उसमें हम लोगों ने आरएच इनकम्पेटिबिलिटी तक बात की थी। आगे जरा चलते हैं और एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी की बात करते हैं और फिर हम उसके बाद इसके बारे में आगे देखेंगे कि क्या करना है। तो आपको जैसे मैंने बताया आरएच वाला, तो आरएच इनकम्पेटिबिलिटी ना बहुत सिवियर रिएक्शन शो करती है, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया। एबीओ उतनी सिवियर नहीं होती। पहली बात तो ये कि एबीओ होती कभी, जिस तरह मैंने आपको भी वही बात है पिछले वीडियो में काफी डिटेल में बताया, उसको मैं दोबारा से जरा सा बताती हूँ कि डेफिनेटली जब अगर मटर्नल जो ब्लड ग्रुप है वो माँ का ओ है, ठीक है, आगे हम पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं करें, ओ ब्लड ग्रुप है माँ का, इसका मतलब है कि अब माँ के पास तीनों तरह की एंटीबॉडीज मौजूद हैं। जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है यानी जिसके पास ओ एंटीजन होता है, उसका मतलब है उसके पास कोई स्पेसिफिक एंटीजन नहीं है, तो उसके पास एंटी ए एंटीबॉडी भी होती है, एंटी बी एंटीबॉडी भी होती है और एंटी ए बी एंटीबॉडी भी होती है। तो अगर माँ का ब्लड ग्रुप ओ है तो डेफिनेटली माँ के पास सारी एंटीबॉडीज होंगी। अब अगर फीटस का ब्लड ओ होगा फिर तो चल जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है मटर्नल ब्लड फीटल ब्लड में जाता है, ठीक है, ड्यूरिंग जो आपका होता है ड्यूरिंग ये इंट्रायूटराइन लाइफ भी और ड्यूरिंग डिलीवरी भी मटर्नल ब्लड थोड़ा बहुत फीटल ब्लड में जाता है। तो अगर फीटस का ब्लड भी ओ हुआ, इसका मतलब है फीटस के पास भी कोई एंटीजन नहीं होगा, ये मटर्नल ब्लड वहां जाएगा, ये एंटीबॉडीज वहां जाएंगी, कुछ नहीं करेंगी। लेकिन अगर फीटस का ब्लड ए बी या ए बी में से कोई भी एक है इस सिलसिले में, तो डेफिनेटली ये मटर्नल सारी एंटीबॉडीज जाएंगी फीटस के ब्लड में। अगर उसका फीटस का ब्लड ग्रुप ए है, इसका मतलब है फीटस के पास ए एंटीजन है, तो ये एंटी ए एंटीबॉडीज के साथ रिएक्ट करेगी। अगर फीटस का ब्लड ग्रुप बी है, इसका मतलब फीटस के पास बी एंटीजन है, तो एंटी बी एंटीबॉडी रिएक्ट करेगी। एंड सेम कॉज फॉर हेयर, तो इसका मतलब है कि अगर माँ ओ ब्लड ग्रुप की है तो फीटस का ब्लड ग्रुप ओ ही होगा तो सही चलेगा, वरना इनकम्पेटिबिलिटी है हर केस में। उसके अलावा कोई भी ऐसे सिलसिले में इनकम्पेटिबिलिटी हो सकती है, मतलब आपको समझ में आ गई होगी अब ये बात कि अगर माँ के पास कोई भी इनमें से एक ऐसी एंटीबॉडी प्रेजेंट है जो फीटस का ब्लड ग्रुप है, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं मदर इज ए ब्लड ग्रुप, ठीक है, मदर का ए ब्लड ग्रुप है, ये तो ओ वाली बात इधर ही लिखी रहे, चलिए यहाँ लिखती हूँ, मदर का ए है, इसका मतलब ये है कि मदर के पास एंटी ए एंटीबॉडी नहीं होगी लेकिन बी एंटीबॉडी एंड ए बी एंटीबॉडी मदर के पास होगी। फीटस का ब्लड ग्रुप आ जाता है ए बी, ठीक है, मदर का ए था, फीटस का ए बी आ गया, इसका मतलब है कि अब मदर के पास ये एंटीबॉडी पड़ी हुई है और ये इधर जाएगी और फीटस के ब्लड ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगी। तो कभी भी ऐसा कुछ हो जाए तो फिर जाए इनकम्पेटेबिलिटी हो जाती है। लेकिन ये बात जहन में रखना कि ये इनकम्पेटेबिलिटी इतनी सवेयर नहीं होती, उसकी दो रीजन होती है। पहली बात तो ये कि जितनी भी ये वाली एंटीबॉडीज है ना ए बी एंड ए बी, इन तीनों की जो मैक्सिमम जो एंटीबॉडी होती है ये आईजीएम टाइप है, ज्यादा ये आईजीएम टाइप होती है, थोड़ी आईजीजी होती है। तो आपको देखिए आईजीएम तो प्लेसेंटा क्रॉस कर ही नहीं सकती, तो बेशक मटर्नल ब्लड जाता रहे फीटल ब्लड में, ये एंटीबॉडीज अगर आईजीएम होंगी तो ये क्रॉस करके फीटल ब्लड में जाएंगी नहीं और फीटस को कुछ नहीं कहेंगी। लेकिन थोड़ी बहुत क्योंकि आईजीजी भी होती है तो जो आईजीजी वाली है वो जाएंगी और जाहिर है थोड़ा कम रिएक्शन होगा। दूसरी बात यह है कि जो फीटस की ये एंटीजन है ना ए बी या ए बी, कोई भी एंटीजन जो फीटस के पास प्रेजेंट होगा, ये एंटीजन भी थोड़े वीक एंटीजन होते हैं। हम ये समझ लें कि आरएच वाला जो एंटीजन है ना, आरएच पॉजिटिव एंटीजन, ये बड़ा स्ट्रांग किस्म का दुश्मन है, ये अपने कभी भी इसके पास कोई इसका जब आता है ना दुश्मन तो इसको छोड़ता नहीं है, मतलब ये लड़ाई करके ही रहते हैं। लेकिन ये जो ए बी और ए बी एंटीजन है ना, ये बड़े शरीफ से होते हैं। अगर ये इनमें से कोई फीटस का ब्लड ग्रुप है भी और इसके खिलाफ एंटीबॉडी आती भी है तो ये वीक रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि आईजीएम एंटीबॉडी है, दूसरी बात ये एंटीजन वीक रिएक्शन करते हैं, तीसरी बात ये कि ज़ाहिर मटर्नल ब्लड बहुत थोड़ा सा ही फीटस के अंदर आता है, वो उससे डाइल्यूट ही हो जाता है, इतना रिएक्शन नहीं होता, इस वजह से ये आपको ज्यादा शो नहीं होती। अच्छा, अब आप देख लेते हैं क्लिनिकल फीचर्स आपने क्या देखना है। पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब बच्चा आया आपके पास, सपोज एक आ गया, माँ कहती है कि बच्चा 3 दिन का 4 दिन का और उसका रंग बहुत पीला लग रहा है, मुझे क्या मसला है। अब माँ तो आपको इतना ही बताएगी, आप उसे पूछेंगे कि यार ये पैदाइश जब हुई थी, पैदा हुआ था उसी वक्त पीला था, उस वक्त मतलब पैदाइशी ही पीला था या थोड़ी देर बाद हुआ, क्योंकि चाहे आपकी कोई भी इनकम्पेटेबिलिटी भी होती है ना, आरएच एबीओ जो भी है, पैदाइश पे बच्चा येलो नहीं होता हमेशा, 24 आवर्स लगते हैं फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में भी और पैथोलॉजिकल जॉन्डिस में भी, 24 आवर्स बाद ही बच्चे को जो जॉन्डिस है वो अपेरेंट होता है। तो सिवाय इसके कि वो बहुत सिवेयर वाली जो आरएच इनकम्पेटिबिलिटी है जिसको हम हाइड्रोप्स फिटेलिस कहते हैं, वो एक डिफरेंट केस है। उसके अलावा हमेशा आपने पूछना होता है कि बच्चा उसी वक्त था या बाद में हुआ, तो 24 घंटे के बाद जो पीला होता है ना वो आपका जॉन्डिस आ गया, ठीक है। अच्छा, अब आपने उसके बाद उससे क्या, सबसे पहले आपने उसके कॉज की तरफ ढूंढते हुए आना है, आप सवाल करते हुए आप मदर से पूछेंगे कि क्या आपका पिछला बच्चा कैसा था, ठीक है। सबसे पहले आपसे पहले फैमिली हिस्ट्री आपने लेनी है,
कि इससे पहले आपके कोई बच्चे हैं उनमें कोई यरकान हुआ था, वो पूछेंगे 7 दिन के लिए रहा था, किसी दवाई से ठीक हुआ था, या आपको शुआएं देनी पड़ी थी यानी फोटोथेरेपी, ताकि उसे पता हो कि हमें पता चले कि क्या उसके पिछले बच्चे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी, क्या किसी पिछले बच्चे का छोटी उम्र में वफात तो नहीं होगी किसी बच्चे की आपके, क्योंकि हो सकता है कोई मेटाबॉलिक सिंड्रोम फैमिली में रन कर रहा हो जिससे पिछले भी एक दो बच्चे, कई बार आपके पास आप देखेंगे क्लिनिकली ऐसी मदर्स आती हैं जिनका तीसरा चौथा बच्चा होता है और आप उनसे पूछते हैं तो पता चलता है कि उनके पहले 3 बच्चे की इसी तरह पैदा होने के 3-4 दिन बाद 2 दिन बाद डेथ हो जाती थी, तो डेफिनेटली कोई मेटाबॉलिक सिंड्रोम फिर अंदर चल रहा होता है उसके। आप ये भी पूछेंगे और आप उसे पूछेंगे कि पहले वाले जो बच्चे थे उनका जो जॉन्डिस हुआ था वो कितने दिन का था, ये सारी फैमिली हिस्ट्री आपने लेनी है, इससे आपको पता चल जाएगा कि क्योंकि जो G6 पीडी डेफिशिएंसी है वो सारी फैमिली में रन करती है। फिर आपने मटर्नल हिस्ट्री पूछनी है, हमने पढ़ा है कि कॉजेज में मटर्नल हिस्ट्री भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि मां ने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई ड्रग्स तो नहीं इस्तेमाल किए, उसे कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, इंदर उसके अलावा क्या उसको डायबिटीज तो नहीं रही, जब बर्थ हुई थी तो बर्थ नॉर्मल तरीके से हुई थी, बर्थ के दौरान फोर्सेप्स इस्तेमाल तो नहीं करने पड़े, बच्चा फौरन रो पड़ा था या नहीं रोया था, एंड द एंड इज के क्या फौरी तौर पे उसका जो नाफ थी उसे बांध दिया था। अब इस सब की क्या वजह है, मदर को अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई ड्रग्स इस्तेमाल करने पड़े थे जैसे एंटी मलेरियल सल्फोनामाइड वगैरह, वो सब हाइपरबिलिरुबिनीमिया कर सकते हैं क्योंकि वो आरबीसीज को तोड़ते हैं, ठीक है, फिर कोई इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन अगर बच्चे को जाएगा, टॉर्च इन्फेक्शन होते हैं बच्चे को भी हो जाते हैं, वो जॉन्डिस कर सकते हैं। इसी तरह माँ की डायबिटीज हमेशा बच्चे को आरबीसीज की लाइफ टाइम को शॉर्ट कर देती है। फिर ड्यूरिंग बर्थ की मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ट्रॉमा ड्यूरिंग बर्थ जो होता है उसमें हो सकता है कि ट्रॉमा टू द वेसल्स हो, आरबीसीज टूटे, जॉन्डिस हो जाए। फिर मैंने कहा एस्फिक्सिया, बर्थ एस्फिक्सिया, आरबीसीज टूटते हैं, जॉन्डिस होता है, ठीक है, मैं लिख भी देती हूँ साथ साथ बुक में लिखा है वैसे सब कुछ। उसके बाद है ट्रॉमा, एस्फिक्सिया, और तीसरा मैंने पूछा कॉर्ड क्लैंपिंग, जब कॉर्ड जल्दी जल्दी ना क्लैंप की जाए ना अम्बिलिकल कॉर्ड, तो क्या होता है कि मटर्नल ब्लड बहुत ज्यादा फीटस के अंदर आ जाते हैं, फीटल पॉलीसाइथीमिया हो जाते हैं, जितने ज्यादा ब्लड सेल्स होंगे उतना ज्यादा टूटेंगे, उतना जॉन्डिस होगा, ठीक है। तो ये सारी आपकी मटर्नल हिस्ट्री। फिर आपने बच्चे की हिस्ट्री पूछनी है, बच्चे की क्या है सिलसिला था कि क्या वो पैदाइश के फौरन बाद उसको क्या खिलाना शुरू किया, आपने दूध ही पिलाया कुछ और खिलाया था, और उसको स्टूल किस तरह उसने पास किया, मतलब जो मेकोनियम है उसको पूछते हैं, क्योंकि अगर उसने मेकोनियम पास नहीं किया तो इसका मतलब कोई ऑब्स्ट्रक्शन चल रही है, अगर वो मेकोनियम बहुत या वो स्टूल दो दो दिन बाद पास करे इसका मतलब है कि उसको वाकई कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई जीआईटी प्रॉब्लम चल रहा है, वॉमिटिंग बहुत ज्यादा करे तो सेप्सिस में जा सकता है बच्चा, सेप्सिस में भी हाइपरबिलिरुबिनीमिया हो जाता है। तो आपकी इन्फेंट की हिस्ट्री, बच्चे की सारी हिस्ट्री भी इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा फिर आपने देखना है, अभी तो आपने हिस्ट्री ले ली, अब आप खुद क्या देखेंगे, जॉन्डिस हमेशा कहते हैं कि नेचुरल लाइट में देखना चाहिए, ठीक है, तो नेचुरल लाइट में आपका जॉन्डिस हमेशा तब एविडेंट होता है जब 5 to 7 mg/dL हो जाता है आपका बिलिरुबिन का लेवल, जॉन्डिस तभी एविडेंट होता है शक्ल पे देखने में, ठीक है, आंखों से और मुंह से ही शुरू होता है और नीचे जाता है, तो आप बच्चे की आंखों में देखेंगे, और अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप अपने थंब से उसकी स्किन को प्रेस करें, किसी भी जगह की जिस जगह प्रेस करेंगे वहां येलोनेस ज्यादा हो जाएगी, तो आपको कन्फर्म होगा कि जॉन्डिस है या नहीं। अब आपने अगर थोड़ा सा उसको मजीद चेक करने बच्चे के फिजिकल एग्जामिनेशन, तो आप जाहिर है देखेंगे कि कहीं आपको हिपेटोस्प्लीनोमेगैली तो नहीं मिल रही, क्योंकि हिपेटोस्प्लीनोमेगैली का मतलब होगा हो सकता है उसको हिमोलिटिक एनीमिया हो, या तो क्योंकि एनीमिया जॉन्डिस एंड हिपेटोस्प्लीनोमेगैली इज हिमोलिटिक एनीमिया, या फिर बच्चे को हिमोलिटिक एनीमिया में अब आगे बहुत सारी कॉजेज, या फिर हो सकता है कोई इन्फेक्शन हो, इन्फेक्शन भी आपके मलेरिया वगैरह जैसे हिपेटोस्प्लीनोमेगैली कर देते हैं, तो आपने ये चेक कर लेना है फिजिकल एग्जामिनेशन में, ठीक है, एक तो स्प्लीन एंड लिवर, उसके अलावा आपने चेक करना है बॉडी पे कोई पिटीकी या ब्रूजेस या कि ब्लीडिंग की कोई साइट तो नहीं है, ठीक है, स्प्लीन लिवर चेक कर लिया, ब्लीडिंग की साइट चेक कर लिया आपने एग्जामिनेशन पे, उसके अलावा बच्चे में कोई प्री या पोस्ट मेच्योरिटी के साइंस तो नहीं नजर आ रहे आपको, ठीक है, वो आपको ज्यादा पता चल जाता है कि बच्चा छोटा या बड़ा तो नहीं लग रहा, उसके बाकी साइंस तो नहीं है कोई इस किस्म के खास, ठीक है, अगर वो बहुत ज्यादा पेल लग रहा है तो मतलब एनीमिया है उसके साथ, अगर वो बहुत लाल लग रहा है एक्सेसिवली रेडनेस है तो प्लीथोरा यानी पॉलीसाइथीमिया हो सकता है उसको, उसका आंखें सर बाकी सब कुछ कैसा है, क्योंकि वो आपको इंडिकेट कर सकती है कोई इंट्रायूटराइन इन्फेक्शन की तरफ की, माइक्रोकेफली होगी या फिर कोरियोरेटिनाइटिस हो गया जो कि टॉर्च में हो जाता है, टॉर्च इन्फेक्शन में, तो ये आपकी फिजिकल एग्जामिनेशन आती है, आपने ऐसी लिखनी होती है बुक में जैसे लिखी हुई है। अब इन्वेस्टिगेशन में आपने 4 चीजें जरूर करानी है, वो 4 क्या है, सबसे पहली है कि आपने सीरम बिलिरुबिन चेक कराना है टोटल डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आपको पता चलेगा कि वाकई में हाइपरबिलिरुबिनेमिया है या नहीं, ब्लड सीपी इस वजह से करानी क्योंकि अगर हीमोग्लोबिन लो है तो मतलब ये कि डेफिनेटली बहुत ज्यादा हिमोलिटिक एनीमिया का चांस है, ठीक है, हीमोग्लोबिन और हिमेटोक्रिट लो होते हैं आपकी हिमोलिटिक एनीमिया में और रेटिकुलोसाइट काउंट ज्यादा होता है, रेटिक्स ज्यादा होते हैं, तो ब्लड सीपी में आपको ये पता चलेगा, व्हाइट ब्लड सेल काउंट अगर ज्यादा है तो आपको अंदाजा होगा कि कोई इन्फेक्शन हो सकता है, कोई इन्फेक्शन चल रहा है इसके अंदर,
जिससे आपको सेप्सिस का अंदाजा हो सकता है। अगर हीमोग्लोबिन ज्यादा है तो आपको ये भी पता चल जाता है कि पॉलीसाइथीमिया की वजह से इसको प्रॉब्लम है। एंड देन आप करवाते हैं साथ इसके पेरिफेरल ब्लड फिल्म, जो कि आपको बताती है कि आरबीसीज की शेप कैसे, क्योंकि अगर आरबीसीज स्फीरोसाइट्स है तो हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस हो सकता है बच्चे को, और बहुत सारी शेप्स होती हैं। तो आपकी ब्लड सीपी आ गई, ब्लड ग्रुप लाजमी कराएंगे आरएच एंड एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी के लिए मदर और फीटस दोनों का, ताकि कंफर्म हो जाए। और डायरेक्ट कूम्स टेस्ट, जिसमें आप क्या करते हैं फीटस का ब्लड लेते हैं और फीटस के आरबीसीज को उनमें से निकाल लेते हैं। अब फीटस के आरबीसीज को आप लेंगे, जो आपने चेक करना है, सपोज आपने मदर का सीरम चेक करना है तो मदर का सीरम लेके, यानी मदर का प्लाज्मा लेके उसमें फीटल आरबीसीज डाल देते हैं, और उसके बाद डालते हैं कूम्स रिएजेंट ऊपर से, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर फीटस के आरबीसीज ने मदर के अगर जो प्लाज्मा हमने लिया था उसमें एंटीबॉडीज हुई, तो डेफिनेटली फीटल आरबीसीज और मदर प्लाज्मा की एंटीबॉडीज आपस में रिएक्ट कर चुकी होंगी, एग्लूटिनेशन हो गई होगी। तो जो कूम्स रिएजेंट आप डालते हैं उससे आपको वो एग्लूटिनेशन नजर आ जाती है, तो इसका मतलब होता है कि कोई इनकम्पेटेबिलिटी है। तो जितने भी आपके इनकम्पेटेबिलिटी के डिसऑर्डर्स हैं वो आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट पे, खासतौर पर डायरेक्ट कूम्स टेस्ट पे पता चल जाते हैं। अगर आपको इसमें कोई कॉज नहीं मिली तो फिर आप सेकेंडरी टेस्ट कराते हैं, जिसमें आपने ब्लड कल्चर कराना, यूरिन एग्जामिनेशन, एलएफटीज कराएंगे, जी6 पीडी डेफिशिएंसी के लिए जी6 पीडी लेवल्स कराएंगे, टॉर्च का आप वो चेक करेंगे, टॉक्सोप्लाज्मा, रुबेला, साइटोमेगालोवायरस, हर्पीस सिंप्लेक्स, लिवर का हाइडा स्कैन करा लेंगे देखने के लिए कि लिवर के अंदर कहीं बिलरी एट्रीजिया तो नहीं हो गया, लिवर बायोप्सी करा सकते हैं। तो ये सारी चीजें होती है जो आपने उस वक्त करानी होती है फिर, ठीक है। अब आपने इसको ट्रीट कैसे करना है, मैनेजमेंट के तीन क्राइटेरिया, पहली चीज होती है फोटोथेरेपी, फिर एक्सचेंज ट्रांसफर, तीसरी फार्माकोलॉजिकल। फोटोथेरेपी आपने देखा होगा अक्सर बच्चों को ब्लू लाइट में लटाया होता है आंखों को कवर करके, बेसिकली फोटोथेरेपी होती है वो हम तब देते हैं जब हमारे पास बिलिरुबिन, जो आपकी एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन की रेंज है ना, उससे 5 मिलीग्राम पर डेसिलीटर कम हो, जो फोटोथेरेपी के लिए वैसे कहते हैं। मतलब मैं वैसे आपको बता दूं कि नाइस गाइडलाइंस ये आपने फॉलो करनी होती है कि अगर आपका बच्चा 24 से 48 आवर्स का है और उसका बिलिरुबिन का लेवल 15 मिलीग्राम पर डेसिलीटर तक है तो करना है, ठीक है, फोटोथेरेपी की इंडिकेशन है। अगर बच्चा आपका 72 आवर्स तक है और उसका बिलिरुबिन 18 तक चला गया तो भी फोटोथेरेपी है, और अगर बच्चा 72 आवर्स से बड़ा है और उसका बिलिरुबिन 20 मिलीग्राम पर डेसिलीटर तक है तो आपने फोटोथेरेपी करनी है, ठीक है, ये इंडिकेशंस में आता है। उसके अलावा ये तो एक इंडिकेशन आ जाती है, उसके बाद है कि अगर उसका डेफिनेटली ये ध्यान रखना है कि हमेशा अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया के लिए आप ये करते हैं, कॉन्जुगेटेड के लिए फोटोथेरेपी कभी भी नहीं होती, इट्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। क्योंकि फोटोथेरेपी के लिए जो हमारा बेसिकली उसूल है ना, मैकेनिज्म, तो ये कि हमने लाइट के अंदर बच्चे को लटा देना, और उसका असल में सिलसिला ये होता है कि जो हम लाइट देते हैं वो बच्चे का जो अनकॉन्जुगेटेड टॉक्सिक बिलिरुबिन होता है ना, क्योंकि आपको पता है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इज टॉक्सिक, वो ब्रेन में भी जा सकते हैं, इसको वो लाइट कन्वर्ट कर देती है इनटू नॉन टॉक्सिक बिलिरुबिन विच इज सॉल्युबल, और वो किडनी से निकल जाता है, ठीक है, रीनल एक्सक्रीशन हो जाती है उसकी। तो इस तरह बिलिरुबिन का लेवल फोटोथेरेपी से लो होता है कि अनकॉन्जुगेटेड जो बिलिरुबिन है वो नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट हो जाता है, रहेगा अनकॉन्जुगेटेड बट नॉन टॉक्सिक होगा और रीनल से निकल जाएगा किडनी से। तो इसलिए जो कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया उसमें फोटोथेरेपी कभी भी नहीं करनी, वो ज्यादा खराब कर देती है। ड्यूरेशन फोटोथेरेपी की डिपेंड करते हैं, जितनी हमें जरूरत होती है उतना ही होता है। और हम देखते हैं उसके लिए कि जब सीरम बिलिरुबिन जो है वो फोटोथेरेपी की रेंज से 3 मिलीग्राम पर डेसिलीटर कम हो जाता है तो फिर हम फोटोथेरेपी छोड़ देते हैं। और बच्चे को ड्यूरिंग फोटोथेरेपी आपने आंखों को कवर रखना होता है, जिसम को मुस्तकिल टर्न करते रहना होता है, और कुछ आपने चीजों का ख्याल रखना होता है कि आपने उसे एक्सेसिव फ्लूइड देना है, क्योंकि ज़ाहिर है लाइट है तो बच्चे का फ्लूइड निकल रहा होगा ज्यादा, तो आपने उसे एक्सेसिव फ्लूइड देना है और उसको हाइपोथर्मिया भी नहीं होने देना, ठीक है। तो जब आपका बच्चे का बिलिरुबिन लेवल नीचे हो जाएगा, फोटोथेरेपी की रेंज से 3 मिलीग्राम पर डेसिलीटर कम हो जाएगा और आपको लगता है कि बच्चा अब इस काबिल है कि वो खुद से अपना वो संभाल सकता है बिलिरुबिन को, तो फिर आपने उसको फोटोथेरेपी छोड़ देनी है। तो कॉम्प्लिकेशन ये होते हैं कि आपका हाइपोथर्मिया होगी, एक्सेसिव चिलिंग होगी, आपकी डिहाइड्रेशन होगी अगर आपने एक्सेसिवली उसको फ्लूइड नहीं दिए आपने या ओवर हीट कर दिया, और अगर आपने कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में आपने फोटोथेरेपी दे दी तो इट कैन कॉज ब्राउन पिगमेंटेशन ऑफ द बेबी विच इज कॉल्ड ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है आपका, व्हाट इज ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम। अगर आप कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में फोटोथेरेपी देते हैं तो वो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को कन्वर्ट कर देती है एक और पिगमेंट में, जो कि स्किन ऑफ द बच्चे में जाके जब आएगा तो उसका कलर ब्राउन कलर का कर देगा, ठीक है, तो ये ब्रॉन्ज बेबी। अब एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन ये होता है कि आपने पूरा का पूरा बच्चे का ब्लड बदलना है विद अनदर ब्लड, ठीक है, बहुत सिंपल सी, आपको सिर्फ यही याद रखना है कि इसकी इंडिकेशंस क्या है। तो जब आपका बिलिरुबिन लेवल बहुत 5 से ज्यादा जा रहा है और कंट्रोल नहीं हो रहा विद फोटोथेरेपी और हीमोग्लोबिन कम है, कूम्स टेस्ट आपका पॉजिटिव है, पहले भी हिस्ट्री है कि बच्चे किसी को जॉन्डिस इसी तरह हुआ था और उसको कर्निक्ट्रियस हो गया था जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई थी, और आपका एनीमिया प्रोग्रेस करता जा रहा है, तो फिर आपने एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करनी होती है, जिसमें आप अम्लाइकल वेन या अम्लाइकल आर्टरी नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं और उसमें से ही
आप एक तरफ से ब्लड डालते हैं, जो नया ब्लड होता है जो फ्रेश होना चाहिए, जो कि कंपेटेबल होना चाहिए बच्चे के साथ, ठीक है, इन्फेंट के ब्लड के साथ आपने क्रॉस मैच करके ब्लड देना होता है, और दूसरी तरफ से आप बच्चे का ब्लड निकालते हैं, और इट शुड बी 160 ml per kg, ठीक है, 160 ml per kg होना चाहिए आपका जो ब्लड आप देंगे, यानी अगर 4 किलो का बच्चा है तो आप समझ लें 16 × 4 कर लें, इतना आपने ब्लड नया डालना होता है। अब वही बात, इसकी भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है कि आप सिंपली वॉल्यूम चेंजेस हो सकते हैं, हाइपर वॉल्यूमिया, हाइपोवॉल्यूमिया, टेम्परेचर आपने कंट्रोल नहीं रखा तो हाइपोथर्मिया हो गया, वॉमिटिंग हो सकती है, बच्चे को दोबारा से रिएक्शन हो सकता है, एंड ऑफकोर्स अगर आपका आपने ब्लड कंपेटेबल नहीं दिया था तो फिर तो बहुत सिवेयर रिएक्शन हो जाएगा। अच्छा, फिर फार्माकोलॉजिकल थेरेपी क्या होती है? फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में हम ये करते हैं कि वो एजेंट्स देते हैं जो बिलिरुबिन को बनने से रोकते हैं, मेटालोपोरफायरिंस। मेटालोपोरफायरिंस का फायदा ये होता है कि दे बेसिकली डिक्रीज बिलिरुबिन प्रोडक्शन, क्योंकि बिलिरुबिन को प्रोडक्शन के लिए चाहिए होता है हीम ऑक्सीजनेज। मैंने आपको बताया ना कि जब आपका सबसे पहले बनता है हीम, जब हीमोग्लोबिन टूटता है तो हीम एंड ग्लोबिन बनते हैं ना, और उसमें से जो हीम होता है उस पे एंजाइम एक्ट करता है हीम ऑक्सीजनेज, जिससे वो कन्वर्ट होता है बिलीबर्डिन में, और फिर बिलीबर्डिन कन्वर्ट होता है बिलीरुबिन में। अगर हम इस एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे तो जाहिर है हीम विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू बिलीबर्डिन और बिलीरुबिन बनेगा ही नहीं, बिलीरुबिन नहीं बनेगा, तो बच्चे को असल में हम रोकना ही इसलिए चाह रहे होते हैं ताकि बच्चे का अगर बिलीरुबिन ज्यादा हो जाएगा तो उसको कर्निकटेरिस का खतरा होता है, तो हम उसको रोकने के लिए हीम को कहते हैं कि वो बेशक ज्यादा हो जाए लेकिन बिलीरुबिन ज्यादा ना हो, तो मेटालोपोरफायरिंस हीम ऑक्सीजनेज को रोकते हैं। और ये जो आईवी इम्यूनोग्लोबुलिंस है ना, ये हम ज्यादातर देते हैं उनमें जिनमें इनकम्पेटेबिलिटी होती है, एबीओ या आरएच, क्योंकि ये भी एंटीबॉडीज है ना, तो ये एंटीबॉडीज जाके जो इनकम्पेटेबिलिटी ऑलरेडी चल रही होती है उसको जरा सा लेस सवेयर कर देती है, ठीक है, तो ये आप इस वजह से देते हैं। और इसमें आपका फायदा ये होता है कि इन दोनों में एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन का आपको मतलब कम रिस्क हो जाता है, ये दोनों चीजें आप दे देते हैं ना तो आपको एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन नहीं करनी होती। एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन हम इससे प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंट से मतलब है कि हम देर से करना चाहते हैं, हम नहीं करना चाह रहे होते क्योंकि इसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा हैं, और नियोनेटल डेथ भी हो जाती है अगर आपने बहुत ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो गया, कोई ऐसा मसला हो गया। इससे ज्यादा डिटेल में आप नहीं करेंगे तो भी इट्स फाइन, तो यहाँ पर बात खत्म करते हैं, इसको अब हम कॉन्जुगेटेड वाला कर लेंगे, किसी को मसला हो कि ना। थैंक यू।